डीजल तो ले। ऑपरेशन स्टेट विरोधी बजट डाउन डो। डाउन 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 डाउन। कुश्ती बचाओ बजट डाउन डो। डाउन 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 डाउन। जन विरोधी बजट डाउन डो। डाउन 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 डाउन। जन विरोधी बजट डाउन डो। डाउन 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 डाउन। कुश्ती बचाओ बजट डाउन डो। डाउन 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 डाउन। बंगला विरोधी बजट डाउन डो। डाउन 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 डो। बंगला विरोधी बजट डाउन डो। डाउन डाउन डाउन। मोदी सरकार ये बजट जन विरोधी है, अन्याय है, किसी को भी न्याय मिला नहीं। बिहार को खुद सड़क तो बनते हैं, सड़क के लिए पैसे दिए, ये कोई बड़ी बात है? वो यहाँ स्पेशल पैकेज बोल रहे हैं, लेकिन स्पेशल स्टेटस आंध्र को भी नहीं है। ये सब एक ये डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। देखिए, हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। डिमांड क्या है? डिमांड तो आपने देखा है, ये देश का बजट नहीं है, बजट देश का होता है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है, कुर्सी बसाने के लिए नहीं। निर्मला सीतारमन जी ने साफ कहा है कि इंडिविजुअली सारे स्टेट के लिए तो ऐसा अनाउंसमेंट मिलता है, ये सब स्टेट के लिए फायदेमंद है। ऐसा कागज पे नहीं दिख रहा है। बजट से पहले हम दो हमारे दो थे, अभी भी हम दो और हमारे दो स्टेट है। आ जाओ इधर।